हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सूजी और आलू से बने इस स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी झटपट बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे बच्चों के टिफिन में बना के दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये नाश्ता। आप एक बार इस नाश्ते को बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने ले ली है 1 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है। ये नाश्ता आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी से बना सकते हैं। और अब मैंने लिया है ये 1/2 कप दही। दही में हम 1/2 कप दही है तो 1/2 कप पानी डालेंगे और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसको इसमें डाल लेते हैं। और अब इसे दही के साथ सूजी को मिक्स कर लेते हैं। सूजी से बहुत सारे नाश्ते बनते हैं, वो भी झटपट। ये देखिए, सूजी और दही को मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। अब ले लेते हैं एक पैन। गैस को ऑन करके मैंने इसके ऊपर ये पैन रखा है। उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। अब इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच राई और 1/4 चम्मच जीरा। जीरा और राई डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 लहसुन और थोड़े से कड़ी पत्ते। 2 हरी मिर्च, ये मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है, क्योंकि ये नाश्ता मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने कम तीखी हरी मिर्च ली है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना मिर्च के भी बना सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। और अब सारी चीजें भून लेते हैं। तो चलिए अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच धनिए का पाउडर। और अब सभी मसालों को भी मिला के भून लेते हैं। तो चलिए, प्याज को हमने भून लिया है। अब यहीं पर डाल देते हैं आलू। ये मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसे उबाल लिया है। अब आलू को भी मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम मैशर से थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। आप अगर इसे ग्रेट करके लेना चाहते हैं तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं। इसे मैशर से मैश कर लिया है। अब यहीं पर डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा काला नमक। ये दोनों नमक मैंने 1/2-1/2 यूज किया है। आप इसे स्वाद के अनुसार डालें। और अब डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा तीखा और चटपटा मसाला बनके तैयार हो गया है। आप इस मसाले को रात को भी बना के रख सकते हैं। सुबह सुबह आपको नाश्ता बनाना हो या बच्चों के टिफिन में देना हो तो आप इस तरह से आलू की ये जो सब्जी हमने बनाई है मसाला, उसे रात को बना के रख सकते हैं और सुबह सुबह इस नाश्ते को बना के टिफिन में दे सकते हैं। तो ये देखिए, सारी चीजें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब ये हमारी नाश्ते के अंदर भरने वाली फिलिंग बनके तैयार हो गई है। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो चलिए, इसे रेस्ट पे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, सूजी अच्छे से फूल गई है। इसमें हमने दही डाल के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था। तो अब लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें इस सूजी को डाल देंगे। ये जो सूजी हमने दही में भिगा के रखी थी उसे इसमें डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे पानी। इसमें जितनी जरूरत होगी उतना पानी डाल के इसका बैटर बनाएंगे। ये देखिए, मैंने सूजी का इस तरह से बैटर बना लिया है। इसमें जितनी पानी की जरूरत पड़ी मैंने उतना पानी इसमें ऐड करके इसका इस तरह से पतला बैटर बना लिया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी हरी धनिया और अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने ये बैटर भी बना लिया है और इसके अंदर भरने वाला मसाला भी तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रख दिया है पैन और उसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, सिर्फ 1 चम्मच से भी कम।
और इसको फैला लेंगे। और अब हमने ये जो बैटर बना के रखा था उसे इसके ऊपर फैलाएंगे। ये जो हम शीट बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, इसे पतला पतला ही बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे। बस ये अपने आप ही फैल गया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए नीचे से पक जाने देते हैं, उसके बाद इसे पलट के पकाएंगे। तो ये देखिए, अब ये धीरे धीरे नीचे से पकने लगा है। इसे पलटने की जल्दबाजी ना करें, अगर जल्दबाजी में इसे पलटेंगे तो ये टूट जाएगा और इसके ये किनारे छोड़ने लगे, तभी हमें इसे पलटना है। ये देखिए, ये अपने आप ही हिलने लगा। अब इसे हम आसानी से पलट सकते हैं, ये देखिए, और पलटते हुए नीचे से भी सेक लेंगे। तो चलिए अब इसे हम नीचे से भी पलट के देख लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। तो चलिए इसे हमने निकाल के रख दिया साइड में, अब दूसरा बना लेते हैं। अब इसमें हमने पहली बार में ही तेल लगा दिया था, अब ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बैटर हम इसमें डालेंगे और इसको फैलाएंगे। इस शीट को हमें पतली पतली ही बनानी है। अब इसी तरह से हम बाकी सारी शीट जो नाश्ते के लिए हम बना रहे हैं वो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारे नाश्ते को बना लिया। इस तरह से मैंने ये सारी नाश्ते वाली शीट बना के तैयार कर ली है। बहुत ज़्यादा इसे पतली नहीं की है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी पतली और मोटी बनाई है मैंने, बस इस तरह से। और ये हमने आलू वाली सब्जी बना के रखी थी, इसके अंदर भरने वाला मसाला। और ये मैंने लिया है टोमेटो केचप सॉस, जो बच्चों को बहुत पसंद होता है। अब इसे मिला के हम बनाएंगे नाश्ता। तो इसके लिए हम लेंगे एक प्लेट और उस पर रखेंगे ये शीट। इसे हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे ये टोमेटो सॉस। ये सॉस बच्चों को बहुत पसंद होता है। अब इसके ऊपर हम ये आलू वाला मसाला जो हमने बनाया था इसे रखेंगे और अब इसको इस तरह से मोड़ लेंगे इधर से और ये दूसरी साइड से। इसे प्रेस करते हुए ऐसे मोड़ेंगे और अब इसे ऊपर से भी मोड़ लेंगे और अब इसे इधर से भी मोड़ लेंगे। और इसे मोड़ने के बाद हम इस तरह से रख देंगे। इसे मोड़ने के बाद इस तरह से रखेंगे तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। इसी तरह से हम पूरे नाश्ते को बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे नाश्ते को बना लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सॉस से डेकोरेट कर देते हैं। इस तरह से आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं इस नाश्ते को बना के। सूजी और आलू से बनने वाला ये नाश्ता आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे इसी तरह की अच्छी और एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।